आज इस वीडियो में जानेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे कैसे जमा किए जाते हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन पे चल के सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में पैसे जमा करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा पूरा वीडियो देखते रहिए। तो एटीएम पर हमें इस प्रकार से आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम डिपॉजिट मशीन मिल जाएगा। तो एटीएम डिपॉजिट मशीन के पूरे स्क्रीन पर यहाँ पे देखिए कॉर्नर पर आपको कार्ड डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा। पैसे जमा करने के लिए आपको इसी के ठीक सामने वाला बटन दबा देना है। दबाते ही आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएगा नया। तो यहाँ पर होम और कंटिन्यू दो ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू के ठीक सामने वाला बटन फिर से एक बार दबा देना है। दबाने के बाद अगला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लीज़ सिलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे कस्टमर और एजेंट दो ऑप्शन है। तो आपको ऊपर वाला कस्टमर के ठीक सामने बटन फिर से एक बार दबा देना है आगे बढ़ने के लिए। दबाने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन फिर से नया ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंट डिटेल, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है जिस अकाउंट नंबर में आप पैसे जमा करने वाले हैं। अगर आप अपने अकाउंट नंबर में पैसे जमा करने वाले हैं अपना डालेंगे, दूसरे किसी व्यक्ति के अकाउंट नंबर में पैसे जमा करने वाले हैं उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर इस प्रकार से आपको डाल देना है। डालने के बाद देखिए यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है, आपको इसी के ठीक सामने बटन फिर से एक बार दबा देना है। दबाने के बाद देखिए इस प्रकार से ऑप्शन नया ओपन हो जाता है। यहाँ पे नेम के ठीक सामने आपको एक नाम दिख रहा है, ये नाम जो अभी आपने अकाउंट नंबर डाला है वो अकाउंट नंबर जिस व्यक्ति के नाम पे रहेगा वो उस व्यक्ति का नाम आप ऑटोमेटिक दिख जाएगा। अगर सही है तो आपको यस के ठीक सामने बटन फिर से एक बार दबा देना है आगे बढ़ने के लिए। दबाने के बाद देखिए एटीएम मशीन का जो बॉक्स है यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो जाता है और आप जो पैसा जमा करना चाहते हैं वो पैसा सीधा सीधा इस एटीएम डिपॉजिट मशीन में डाल देना है। इस प्रकार से डालने के बाद आप देखिए यहाँ पे एटीएम की स्क्रीन पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर फिर से इसी के ठीक सामने बटन दबा देना है। दबाने के बाद आपका जो बॉक्स है बंद हो जाता है, एटीएम डिपॉजिट मशीन का बॉक्स बंद होने के बाद देखिए यहाँ पे कैश काउंटिंग प्रोसेस, यानी आपका एटीएम डिपॉजिट मशीन आपके कैश को गिन रही है। गिनने के बाद देखिए आपको इस प्रकार से एटीएम डिपॉजिट मशीन के स्क्रीन पर जो पैसा आपने जितने जितने रुपए का नोट जमा किया है वो पैसा यहाँ पे दिखाई दे जाता है। जैसे मैं 100 का 500 पाँच नोट जमा किया था, 500 के रुपये का दो नोट, यहाँ पर टोटल मेरा 1500 रुपये था यहाँ पर दिखाई दे गया है। अब इस पैसे को जमा करने के लिए आपको एक्सेप्ट के ठीक सामने वाला बटन दबा देंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। और कैंसिल पर क्लिक, कैंसिल के ठीक सामने वाला बटन दबाएंगे तो आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा और पैसा वापस आ जाएगा। और ऐड के ठीक सामने वाला बटन दबाएंगे आपका जो है जो पैसा, अगर कुछ पैसा कुछ नोट निकल के वापस आ जाता है तो इस पर क्लिक करके आप उस पैसे को दोबारा से उस बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपने पैसे को एक्सेप्ट पर क्लिक करके यानी एक्सेप्ट के ठीक सामने वाला बटन दबा के उस पैसे को अपने अकाउंट में जमा कर दे रहा हूँ। मैं एक्सेप्ट के ठीक सामने वाला बटन जैसे आप दबाएँगे तो यहाँ पर देखिए कैश काउंटिंग प्रोसेस, यानी आपका जो पैसा है यहाँ पे इस एटीएम मशीन काउंटिंग कर रही है और आपके अकाउंट में पैसे जमा होने का प्रोसेस चालू हो गया है। ऑटोमेटिक आपके सामने इस प्रकार से आएगा प्लीज़ इंटर योर 10-डिजिट मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आप डाल देना है जिससे पता चलता है आपका आप ही जो है इस मोबाइल नंबर के माध्यम से ये मोबाइल नंबर आपका है और आपने ही पैसे जमा किए हैं इस एटीएम डिपॉजिट मशीन से। तो यहाँ पे आप कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ठीक सामने वाला बटन एक बार फिर दबा देना है। यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू के ठीक सामने वाला बटन फिर से एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपने जो पैसा जमा किया है वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे देखिए आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है। और यहाँ पे एटीएम डिपॉजिट मशीन से इस प्रकार से एक रिसिप्ट निकल के आ जाती है। यहाँ पे देखिए इस रिसिप्ट में आपने जो पैसा जमा किया है उसकी सारी डिटेल, टाइम, डेट और अमाउंट सारी डिटेल इस रिसिप्ट में आपको मिल जाती है। तो जैसा कि आपने देखा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके दिखा दिया हूँ। आप यही सारा प्रोसेस अपना के आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे बहुत आसानी के साथ जमा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जब एटीएम डिपॉजिट मशीन पर गया था यहाँ वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वहाँ पर जो वॉचमैन है उन्होंने जो है मुझे मना कर दिया। तो ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला स्टेप बाय स्टेप आप फोटो खींच लीजिए और आप इस प्रकार से अपलोड कर देना। तो मैं इस प्रकार से आपको जो है
स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके दिखा दिया हूँ। आप यही सारा प्रोसेस अपना के बहुत आसानी के साथ ICICI बैंक के ATM डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको और कुछ खास बातें बता दूँ जो आपको दिक्कत देने वाली है, आपको दिक्कत हो सकता है अगर आप इन सब चीज़ों को याद नहीं रखेंगे। जैसे अगर आपका नोट ज़्यादा फटा हुआ है, अगर आपका नोट फटा है या आपके नोट में किसी पेंसिल या पेन से लिखा हुआ है, अगर आपका नोट बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इस टाइप के नोट जो है ATM मशीन एक्सेप्ट नहीं करती, उसके अंदर वो वापस रिटर्न आ जाता है ATM डिपॉजिट मशीन से। अगर आप उसे बार बार डालने का प्रयास करेंगे, ऐड जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो बॉक्स फिर से ओपन हो जाता है, तो आप उसे अगर बार बार डालने का प्रयास करेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है। तो इससे अच्छा यही है अगर कुछ जो पैसा आपका रिटर्न आ चुका है उस पैसे को आप अपनी जेब में रखिए और आप का जो पैसा ATM डिपॉजिट मशीन के अंदर चला गया है वो पैसा आप जो है एक्सेप्ट करके आप जो है उस पैसे को अपने अकाउंट में जमा कर दीजिए। तो आपके लिए यही था, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। इसके बाद जब आप अकाउंट नंबर डालेंगे, तो अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर डालेंगे उस व्यक्ति का नाम आ जाता है, तो आप नाम को जरूर देखना है, ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाता है उस व्यक्ति का नाम जिस व्यक्ति का अकाउंट नंबर है, तो आपको उसे भी ध्यान देना है। और इसके बाद जो ATM मशीन से रिसिप्ट निकल के आएगी, आपको उस रिसिप्ट को संभाल के रखना है जब तक आप ये कंफर्म ना कर ले कि हमारा पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो चुका है, क्योंकि यही रिसिप्ट आपका जो है प्रमाण होता है कि आप जो है ATM मशीन से अपने अकाउंट में पैसे जमा किए हैं। तो यही सारी डिटेल थी, यही सारी जानकारी थी। अगर आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो